असलम एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल अलवि सिस्टर्स तो गाइज़ आज मैं बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है मेकअप अंडर वन थाउजेंड रुपीज़ ओ गॉड यानी कि एक हज़ार के अंदर आपको मिल रहे हैं सारे प्रोडक्ट मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च की है जब मैं बिगनर थी मैं सर्च करती थी मेकअप अंडर वन थाउजेंड रुपीज़ तो बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि एक एक प्रोडक्ट पाँच सौ या छः सौ के अंदर आ रहा है वो एक, -एक प्रोडक्ट की बात करें बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स अंडर वन थाउजेंड रुपीज़ यानी एक हज़ार के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं वो भी चीप क्वालिटी के नहीं अ गुड क्वालिटी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट क्योंकि अगर मुझे ऐसा वीडियो बनाना होता तो मैं मीशो से भी खरीद कर बना सकती थी वहाँ पर पाँच छः प्रोडक्ट आपको तीन सौ या चार सौ में पड़ते जो कि आपकी स्किन के लिए नहीं अच्छे हैं हम कभी भी अपनी स्किन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं हमारी स्किन बहुत प्रेशर है हमारे लिए तो हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं लगा सकते जो हमारे स्किन को डैमेज करें तो मैं इसलिए ये वीडियो लेके आई हूँ अंडर वन थाउजेंड रुपीज़ दे आर लॉट्स ऑफ गुड प्रोडक्ट लाइक लिपस्टिक एंड ब्लश किट सो एवरीथिंग इज़ देयर सो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड या बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट मेरे जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वो मेरे ऊपर घर बन रहा है तो इसलिए भी थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस डिस्टर्बेंस हो सकती है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और उसको इग्नोर करिएगा ठीक है तो हम uh, uh, और हाँ अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन जो मैंने प्रोडक्ट खरीदे हैं वो सारे प्रोडक्ट मैंने खरीदे हैं अमेजोन पे। अमेज़ोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है जो कि एंड हो रहा है सेकेंड नवंबर को अभी भी आपके पास बहुत दिन हैं आप जाकर अपना फेवरेट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है वो आप जाकर अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स द वीडियो सो गाइज मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र इस किट के अंदर नहीं आता है ये मैं मॉइस्चराइज़र बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा सो so, मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ हाईली रिकमेंडेड है ये आ, ये प्रोडक्ट ये भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा और इसका नाम है पॉइंट सुपर लाइट जेल जो कि इसमें ऐड है हेरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई इसमें ऐड है तो जाग जो भी आपके दाग धब्बे हैं वो सारे धीरे धीरे वैनिश्ड हो जाएंगे इवन स्किन हो जाएगी और मुझे काफ़ी अच्छा ये मॉइस्चराइज़र uh, लगा है तो अगर आपको ऐसी स्किन चाहिए थोड़ी दमकती ग्लोई तो आप इस मॉइस्चराइज़र को ले सकते हैं तो सबसे पहले मैंने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है अच्छे से और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप थोड़ी देर अपने मॉइस्चराइज़र को अंदर आपके स्किन के चले जाने के लिए दो मिनट छोड़ देना चाहिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले ताकि आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो स्किन के अंदर चला जाए सो गाइज़ दो तीन मिनट हो गए हैं मेरे स्किन में मॉइस्चराइज़र अच्छे से चला गया है जज्ब हो गया है और अच्छे से हो गया है सो गाइज सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा जो फाउंडेशन है वो है मेबलिन का फिटमी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन है इसमें एस पी एफ भी ट्वेंटी टू है और वन ट्वेंटी एट माई शेड वन ट्वेंटी एट मेरा शेड है और ये मुझे पड़ा है टू हंड्रेड ट्वेंटी फ़ोर रुपीज़ का तो यानी कि 224, 1000 एक हज़ार में से 224 चले गए हैं और ये 224 ट्वेंटी फोर का है एंड मैटिफाइंग डे फॉर शाइन फ्री लुक मैचेस नेचुरल टोन यानी कि जो आपकी टोन नेचुरल है आ, उसमें मिक्स हो जाएगा एंड यूवी भी प्रोटेक्शन भी इसमें है तो यानी कि आप सनस्क्रीन अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा मगर मेरा मानना यह है कि चाहे जितना भी फाउंडेशन में यू प्रोटेक्शन हो बट आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वो आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है तो ये मेरा फाउंडेशन है सबसे पहले मैं इसको लगाऊंगी ज़्यादा नहीं लेंगे बस इतने में काम हो जाएगा कभी भी मॉइस्चराइज़र uh, को जब हम ब्लेंड करते हैं जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए बहुत आराम से ब्लेंड करिए हल्के हाथों से और पूरे में अच्छे से ब्लेंड करिए जल्दबाजी में इसको रब मत करने लग जाया करिए क्योंकि उससे फिर आपकी स्किन पैची पैची लगती है ड्राई लगती है इसलिए अच्छे से आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करने के बाद ही फाउंडेशन लगाएँ तो गाइज़ ये मैंने अपना चेहरा क्लोजअप भी कर लिया है ताकि आप देख सकें काफ़ी अच्छी कवरेज है और गले पे लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए सो गाइज़ सेकेंड प्रोडक्ट है स्विस so ब्यूटी uh, uh, का लिक्विड कंसीलर जो कि uh, मुझे पड़ा है वन सेवेंटी फाइव रुपीज़ का और इस मेरा शेड है जीरो टू सैंड सेबल ठीक है सो कंसीलर गाइस आपके जितने भी दाग धब्बे होते हैं और जितने भी हाईलाइटेड एरियाज़ होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए होता है तो सबसे पहले मैं अपनी डार्क सर्कल जहाँ जहाँ है वहाँ लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा जब भी कंसीलर लगाइए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप कंसीलर लगाते हो उसके बाद अगर तुरंत ब्लेंड करने लगते हैं जल्दी से ही ब्लेंड करने लगते हैं तो क्या होता है ना कि जो हमारा ब्लैकिनेस होती है अंडर आइज़ के नीचे वो ख़त्म नहीं होता है तो थोड़ी देर रुक जाइए पाँच छः सेकेंड या तीस सेकेंड रुक जाइए उसके बाद ब्लेंड करिए तो काफ़ी अच्छा कवरेज आता है और आपके जितने भी डार्क सर्कल हैं वो हाइड हो जाते हैं हैं तो तीस सेकेंड हो गए अब मैं ब्लेंड करूंगी ऊपर आंख करके इसको ब्लेंड कर लीजिए माय थर्ड प्रोडक्ट इज एस एफ आर कलर का कॉन्टोर किट इस कॉन्टोर किट में आपको मिल रहा है चार चीजें इस कॉन्टोर किट में आपको मिल रही हैं चार चीजें जिसमें कि आपको मिल रहा है ब्लश ब्रॉन्जर ये भी ब्लश है एंड दिस इज हाईलाइटर सो so, यानी कि इसमें आपको चारों चीज़ें मिल रही हैं ये ज़बरदस्त किट है मतलब आ, इतने कम प्राइस में ये प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि इसके लिए आपको अलग अलग ब्लश नहीं खरीदना पड़ेगा अलग ब्रॉन्जर नहीं खरीदना पड़ेगा अलग आपको हाईलाइटेड नहीं खरीदना पड़ रहा है ये चारों चीज़ें इसी पैलेट में हैं सो so, ये कॉन्टोरकेट मुझे मिली है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ में so, दो सो दो सौ पच्चीस में यार कोई बुरा नहीं है कोई भी बुरा नहीं है तो सबसे पहले हम इसको कॉन्टोर करेंगे इससे Wow. Wow, यार, अ ब्राउन्जर मेरी नाक ऑलरेडी खड़ी है तो मुझे ज़्यादा ब्राउन्जर की ज़रूरत नहीं है बस जो मेरी डबल चन है उसको मैं कम कर लूँगी सो गाइज़ ये हो गया मेरा ब्राउन्ज़र नाउ आई विल डू ब्लश मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ पिंक हाउ पेग मेन्टेड गॉड मुझे डर लग रहा है कहीं पूरा गुलाबी ना गॉड oh ज़्यादा हो गया सो so, ये मैंने ब्लश लगा लिया सो गाइज़ हाईली रिकमेंडेड दिस इकॉन्टोर पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगी सो so, गाइज़ आप लगा सकते हैं देख रहे हैं आप कितना प्यारा ब्लश आया है ओके कम टू दाईलाइटर ब्रिज ऑफ द नोस बहुत जबरदस्त है बहुत जबरदस्त जितने भी आपके हाईलाइटेड एरियाज हैं वहां आप लगा लो या ओके गाइस सो ये जरूर ले लेना मतलब ले लेना बिना सोचे कुछ सब बिना सोचे समझे इसको ले लेना नाउ गाइज अब आ जाते हैं लिपस्टिक पे मैंने ये लिपस्टिक ऑर्डर की है इनसाइट की एंड इसका शेड है ज़ीरो वन एंड मैंने दो लिपस्टिक ज़ीरो वन जॉयफुल इसका लिपस्टिक का शेड है और ये बहुत ही प्यारा है इसका ये शेड है न्यूट शेड है और मुझ पर बहुत अच्छा लगता है बट मैं आज इसको नहीं लगाऊंगी मैंने दो लिपस्टिक शेड लिए हुए हैं एक मैंने ये लिया हुआ है जो कि है सेवेंटी सेवन रुपीज़ का और मैंने अभी खोली भी नहीं और एक ये है एन वाई बे का एन वाई बे की सेवेंटीन शेड है ये और ये है इसका रेड रॉयल रेबेका है और ये लिपस्टिक शेड है मैं यही अप्लाई करूँगी बहुत ही प्यारा शेड है और इस शेड का प्राइस है वन हंड्रेड सेवन रुपीज़ ये एन वाई बे का है मैट लिपस्टिक है और इसी को मैं अपनी आईज के ऊपर भी थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि मैंने आई शेडो पैलेट नहीं लिया है और मुझे इसी से मेकअप लुक क्रिएट करना है तो ये मैं आईज के ऊपर तो गाइस ये मेरा प्यारा सा लुक है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेकअप फिक्सर ये मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का एंड मेकअप फिक्सर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द मेकअप लुक अगर मेकअप आप फिक्स नहीं करेंगे तो फिर जाकर बेकार हो जाता है ये थोड़ी देर में तो मेकअप को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है और इसमें एलोवेरा और विटामिन ई e मिला हुआ है थोड़ा सा जिनको फ्रेगरेंस थोड़ी ज़्यादा लगती है उनके लिए थोड़ा सा क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे अच्छी लगती है तो मैंने ये ख़रीदा है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है काफ़ी अफोर्डेबल है जिसका रियल प्राइस टू फोर्टी नाइन रुपीस का है ये बट ऑन अमेज़ॉन ये आपको मिल रहा है वन एटी का जो कि मुझे नहीं लगता कि मेकअप फिक्सर कोई इस रेंज में अच्छा मेकअप फिक्सर आता है सो so गाइज मैं अपने फेस मतलब मेकअप को सेट करूँगी कैसा लगा ये मेरा जो भी मैंने प्रोडक्ट बताया वो कैसे लगे आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा और, और आई नो मैंने इसमें आईलाइनर और आई पैलेट नहीं इंक्लूड किया है बट Uh, मैं अच्छा चीज़ आपको बताना चाह रही थी मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी अपने चैलेंज के वजह से मैं ये नहीं चाहती थी कि आपको कुछ गलत चीज़ मिल जाए या आपकी uh, मतलब वो चीज़ बता तो दूँ बट वो आपके लिए यूज़फुल ना हो आपके लिए अच्छी ना हो तो फिर ऐसा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है बट ट्रस्ट मी गाइज जितने भी मैंने प्रोडक्ट बताए हैं वो ज़बरदस्त हैं हाईली रिकमेंडेड है बाय मी एंड खरीदेंगे तो मुझे याद करेंगे कि वाकई मैंने कोई अच्छी चीज़ बताई है सो गाइज़ यहीं पर मैं वीडियो एंड कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ आपको अगर चाहिए होगा तो आप अमेज़ोन uh, से खरीद सकते हैं सो गाइज़ थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना शेयर करना और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मेरी जब न्यू वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा सो गाइज़ लव यू एंड टेक केयर बाय बाय